हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो है कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की। हम जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका सिलेबस समझना, कवर करना एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एंड समझना कैसा पैटर्न है जो पेपर में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से हमें यह पता लगता है कि किस टाइप के, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट सब जगह एक सेम होता है, बट एक चीज जो अलग बनाती है हर एग्जामिनेशन को वो होता है उसका पूछे जाने का तरीका। तो पैटर्न हमें पता होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हो उस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से सारी चीजें हो जाती है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए, उस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है और उसी को समझते हुए चलेंगे जिससे आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी होगी एंड आप इस बार 2024 में जरूर अपना सिलेक्शन ले लोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके लिए। पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे है। और इस चैनल पे पूरी थ्योरी, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ ही साथ कैसे सॉल्व करनी है हर चीजें, अप्रोच वगैरह सब सिखाती हूँ। और आज के एक सेशन में भी उसी चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान है जो देने वाले हैं। जेरेपड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, पेपर वन के लिए, जनरल पेपर के लिए क्विजेस मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज भी होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कॉमर्स स्पॉटलाइट आप सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम दिखेगा, वहां पे मैं क्विजेस शेयर करती हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करती हूँ, पीडीएफ वगैरह शेयर करती हूँ, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर आप करना चाहते हैं तैयारी तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से चीजें सही नहीं होती, बट एक तरीके से करने से बहुत अच्छे से सही हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा किस टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, कि आपसे कैसे, किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्या सीधा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हुए, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका पूछा गया, जो क्वेश्चन में कंसेप्ट था उसकी हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर की एक थ्योरी आपसे पूछ ली गई, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम की, जो हमारी नेट ऑपरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है वो हमने आपसे पूछी PYQs में, ठीक है। अब आपका क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम रहेगा, वो ये रहेगा कि अब आपको वो जो अप्रोच आपको एक पूछी गई वो तो आनी ही चाहिए, इसके साथ साथ जो अदर अप्रोचेस थी वो भी आपको, सारी अप्रोचेस आनी चाहिए, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको आना चाहिए, और कौन सी अप्रोच किसकी तरीके से रिएक्ट करती है, कौन सी अप्रोच किस तरह से है, इररिलेवेंट अप्रोच, रेलिवेंट अप्रोच, वो सारी आपको बाइफर्केशंस हैं, वो बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन आपसे पूछ लिया गया मैच द कॉलम में, टैक्सेशन में सेक्शन बहुत पूछे जाते हैं, तो टैक्स में आपसे एक सेक्शन पूछ लिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1032, ठीक है। ये क्या है, ये सेक्शन है हमारा कि जब हम क्लबिंग करते हैं चाइल्ड की, ठीक है, माइनर चाइल्ड की, उसके पेरेंट्स में की इनकम में, तब हम यहाँ पे सेक्शन को पढ़ते हैं। तो अब आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें अब सारी चीजें पढ़नी है, क्लबिंग से लेके क्लबिंग का सेक्शन, क्लबिंग के प्रोविजन कब होती है कब नहीं, और उसकी जो डिडक्शन आपको मिलती है 1032 में, वो आपको सारी याद होनी चाहिए। तो ये तरीका होता है कि कैसे एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके एसोसिएटेड रिलेटेड एस्पेक्ट हम सब के सब कवर करें, सो दैट जो क्वेश्चन अब आगे पूछा जाएगा वो हम सॉल्व कर सकें। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपको किसी भी यूनिट में, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में आपसे कोई क्वेश्चन है जो पूछ लिया गया, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ लिया, फॉर एग्जांपल उसका एक फॉर्मूला पूछ लिया, बट क्या सिर्फ वो फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं,
कब निकाली जाती है गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्यों निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट देता है, उस कंसेप्ट से आपको नए जो क्वेश्चंस हैं वो निकालने होते हैं, क्या क्या और चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजों के लिए आपको तैयार होना होता है, तभी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन को लर्न कर रहे हो, उस क्वेश्चन को समझ रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जो पूरा कंसेप्ट है, अगर आप उसको कवर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो आपके बिल्कुल रिपीट होते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको लगभग 70-80% जो कंसेप्ट है वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ये किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात कर सकते हो, आप नेट की बात कर लो, सेट की बात कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लो, हर जगह ये चीज फॉलो होती है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, उस पूरे के पूरे सिलेबस में से कुछ पोर्शन ऐसा होता है 30-40% पोर्शन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस 30-40% से हर बार क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे ही, आपके बनेंगे ही। तो यहां से मेजर पोर्शन जो है आपका बनता है, बट यहां से सेम वही क्वेश्चन बनेंगे जो आपके पहले बने थे, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट वही होगा बट क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन नए अंदाज में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपसे पहले वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, नोट करके पूछ लिया, अब वो मैच द कॉलम में पूछ लेगा, असर्शन रीजनिंग में पूछ लेगा, तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। कोई क्वेश्चन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पूछ लिया था, अब उसको न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली थी थ्योरेटिकली, अब उस पर एसोसिएटेड कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक एवरी पीवाईक्यू, एक एक पीवाईक्यू को बिल्कुल इनडेप्थ डिटेल में स्टडी करना है। और जब भी मैं जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ, हम यही चीज फोकस में रखते हैं कि एक जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं उसको हम डिटेल में अच्छे से कवर करें। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हम सभी के सभी ऑप्शंस को डिटेल में पढ़े। आपके पास एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शन है। तो अब एक क्वेश्चन का तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बट बाकी के जो तीन क्वेश्चन है, तीन ऑप्शन है सॉरी, ये तीन ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब अगर ये कोई एक टर्म है जो अपना बहुत रेलिवेंस रखती है आगे आने वाले पेपर में, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे कवर करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया वो कंसेप्ट तो कवर करना ही है, जो ऑप्शन है अलग उनके कंसेप्ट भी आपको अच्छे से कवर करने होंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, IIB में, इंटरनेशनल बिजनेस में, बिजनेस एनवायरमेंट में, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऐसे बनते हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ की अगर हम बात करें तो वहां से भी ऐसे क्वेश्चन है जो बनते हैं। तो आपका अगर ऐसा कोई पेपर है जहां पे ये चीजें आपको लिए मायने रखती हैं, तो वो चीजों में आपको ध्यान में रखना है। ये चीजों के जहां पे रेलिवेंस ज्यादा है वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और सिर्फ एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो छुपे होते हैं, उन सभी को आपको कवर करना है। अगर आप सिर्फ PYQs लगा रहे हो, सिर्फ वही वही क्वेश्चन लगा रहे हो जो पूछे जा रहे हैं, तो आप 50 क्वेश्चन कर लो, वो भी इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे अगर आप हर क्वेश्चन को इनडेप्थ करोगे और सिर्फ 10 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन है जो बना के देंगे। बट अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ वो कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, 5%-10%। बट प्रीवियस ईयर कंसेप्ट 70-80% रिपीट होते हैं, तो उन पे फोकस करना है, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलना है। अगर आप ये चीज करोगे तो आपको और कोई क्वेश्चन ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं होगी, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिलते हैं। प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपको और एक्स्ट्रा लगाने हैं तो नेट और सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाना स्टार्ट करो, वो भी एक ऑथराइज्ड बॉडी ने बनाए हैं, तो वो आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा रेलिवेंस रखते हैं, रादर कि आप कोई और क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है 2024 में, बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आ रही है, अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो रहा है, MPPSC का आ रहा है, आंध्र प्रदेश का आ रहा है, RPSC आ रहा है, HPSC आ रहा है, एंड साथ ही साथ और भी हमारे सेट जो एग्जामिनेशन है वो पाइपलाइन में है। तो ये 2024 जो साल है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा
उम्मीदों भरा साल है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियां हैं जो आ रही हैं, तो उन चीजों पे ध्यान रखो एंड ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कंसेप्ट पे पकड़ बनाने की और उन कंसेप्ट को रिवाइज करने की। और अगर आप पूरा का पूरा रिविजन करना चाहते हैं कोर्स का, पूरे कॉमर्स के सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चीज है जो की है, वो ये है कि एक कैप्सूल कोर्स है जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये कैप्सूल कोर्स है, ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और यहाँ पे सारे के सारे जो यूनिट्स हैं कंप्लीट हमारी उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कुछ मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो आप खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 50 से 55 क्लासेस में कंप्लीट जो है वो सारा कॉमर्स का सिलेबस करवाया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, मात्र 9,999। तो इस प्राइस में आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो थे उनके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको पूरा रिवीजन है जो करवाया है, पूरा रिवाइज आपको सिलेबस करवाया है कॉमर्स का। तो आप जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं और आपको ये कैटेगरी में मिल जाएगा, यूजीसी नेट कैटेगरी में आपको ये कैप्सूल कोर्स है वो शो हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो एंड आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ अमेजिंग है जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, वो भी चीज मैं आपको सारा बता देती हूँ। अपना टाइम टेबल मैं आपके लिए आईसीटी एंड रीजनिंग लेती हूँ, ठीक है, 6 बजे हमारी क्लास होती है, 6 PM एंड इसके साथ साथ हमारी 8 PM क्लास होती है। यहाँ पे मैं मैराथन्स लेती हूँ जो मंडे से स्टार्ट हो रही है, मैराथन्स लेती हूँ, ठीक है। MPBSC को मेजरली हम टारगेट कर रहे हैं, प्लस RPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश का PSC एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी। एंड अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हो, स्टार्टिंग में देखना चाहते हो क्या क्या चीजें होती है, तो वो भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड साथ ही साथ 5 PM भी हमारी जो क्लासेस रहती है वो नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन सीरीज है वो यहाँ पे चल रही है। तो ये क्वेश्चन सीरीज रहती है आपके लिए, 6 बजे आपके लिए पेपर 1 जनरल पेपर रहता है, मैथ्स रीजनिंग DI वगैरह यहाँ पे होती है, और यहाँ पे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए मैराथन है। और अगर आप नेट और सेट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये मैराथन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कंसेप्ट हमेशा एक रहता है बट उसकी तैयारी जो होती है वो क्वेश्चंस की हेल्प से आपको मिलती है। तो क्वेश्चन सीरीज साथ ही साथ कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं उन पे फोकस करिए। और अगर आपको लगता है कि कैसे की जाती है ये चीजें, तो मेरी कोई भी क्लास देख सकते हो आप। मैंने अभी MPBSC के लिए 10 सेशंस लिए थे, उनमें कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।